नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 42 है और ये 28th ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए है। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला डियर स्टूडेंट, फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में यानी 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? अनाज की उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी होने लगी, यानी अनाज जितना उग रहा था वहाँ उससे ज़्यादा उसकी डिमांड होने लगी। अधिक लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी थी, अधिक लोग वहाँ क्या खाते थे? पावरोटी खाते थे, जिसकी कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी। और कह रहा है ज़्यादातर जो कामगार थे, जो कारखाने में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ठीक है, क्या करते थे? मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर नहीं बढ़ा रहे थे, यानी जैसे जैसे महंगाई हो रहा था उसकी रेट भी नहीं बढ़ा रहे थे, वेजेस नहीं बढ़ा रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ? जो अमीर होता गरीब के बीच में खाई बन चोरी होती गई, और स्थितियाँ तब और बदतर होती गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता जाता था, जैसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ये फ्रांस की जो दयनीय स्थिति थी वो काफ़ी बेकार हो रही थी। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फ्रांस की जनसंख्या 1789 में कितनी थी? तो 1789 में इसमें जो ऑप्शन है एक भी नहीं है डियर स्टूडेंट। फ्रांस की जनसंख्या 1789 में तो 2.8 करोड़ है, इसमें से कोई नहीं है। तो आप 2.8 करोड़ यहाँ देखिए, 1789 में 2.8 करोड़ एक भी नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? 2.8 करोड़ आप लिख दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? तो आपको अभी बताया पावरोटी था। क्या था? पावरोटी। ठीक है, उसका नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसी में कारखानों में मजदूरी कौन तय करता था? तो कारखानों में मजदूरी जो डियर स्टूडेंट उस समय तय करता था वो था जो हमारा मालिक तय करता था। ठीक है, अमीर गरीब की खाई क्यों बढ़ती गई? क्योंकि मजदूरी कम थी, महंगाई कम थी, सूखा नहीं पड़ता था, कीमतें कम थी, इसलिए खाई बन गई क्योंकि उस समय मजदूरी कम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, उस समय फ्रांस में जीविका संकट क्या थी फ्रांस में? तो इसका क्योंकि रोजी रोटी का संकट था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, लगता है ये हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।